हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। वेलकम है माय यूट्यूब चैनल टेक संजय में। आज मैं कुछ वर्ल्डिंग पोजीशंस के बारे में डिस्कस करने वाला हूं। आइए वीडियो में बने रहें। ये पोजीशंस होते हैं 1G, 2G, 3G, 4G, 5G और 6G। ये पोजीशंस कैसे दिखते हैं, आइए इस नेक्स्ट स्लाइड में मैं आपको दिखाता हूँ। 1G मीन्स फ्लैट पोजिशन, 2G मीन्स हॉरिजेंटल पोजिशन, 5G मतलब ये हॉरिजॉन्टल एक्सिस में रहेगा। इसमें आपको 3G 4G दोनों पोजीशंस आ जाएंगे। और 6G मीन्स ये पाइप 45 डिग्री में इंक्लाइंड रहेगा। नेक्स्ट स्लाइड में आपको मैं प्लेट के बारे में, प्लेट में कौन कौन सा पोजीशन होता है, इसको 1F 2F 3F 4F भी बोलते हैं। 1F मीन्स प्लेट पोजीशन में रहेगा, 2F मतलब हॉरिजॉन्टल पोजीशन में, 3F मतलब वर्टिकल वेल्डिंग बोलेंगे। इस सेम स्लाइड में आपका ये प्लेट में कैसा दिखेगा, पाइप में कैसा दिखेगा और कौन कौन सा डिग्री में आपको वेल्डिंग करना है वो भी आपको ये स्लाइड में दिखाया गया है। नेक्स्ट आपको वेल्डिंग डिफेक्ट के बारे में आइए जानते हैं के बारे में, जिसमें आपको अंडर कट होता है, फ्लेयर कट होता है, ये सब कैसे दिखता है ये भी आपको मैं नेक्स्ट स्लाइड में आपको दिखाऊंगा। देखिए ये फर्स्ट में स्लाइड में दिख रहा है अंडर कट कैसे, किस टाइप का दिखता है अंडर कट। जैसे वेल्डिंग अगर डाउन है उसको अंडर कट भी बोलते हैं। इस ए पोजीशन में किस टाइप का दिखता है। नेक्स्ट स्लाइड में मैं आपको ये ऑक्सीजन इंक्लूजन के बारे में बताऊँगा। इसको आपको अगर वेल्डिंग आप कर रहे हैं, आपका लेयर प्रॉपर नहीं है, प्रॉपर वे में नहीं है, तो ये पोजीशन आपको जब आर्टी फिल्म जब रिव्यू होगा इस टाइम में आपको फिल्म में ये सब दिखेगा। नेक्स्ट पॉइंट है टंगस्टन इंक्लूजन। टंगस्टन इंक्लूजन रूट में आपको रूट में प्रॉब्लम आएगा। इसमें हम इसको फिलर कट भी बोलते हैं। नेक्स्ट स्लाइड में आपको ये क्रैक दिखे, क्रैक किस टाइप का दिखता है ये आपको ये स्लाइड में दिख रहा होगा। फर्स्ट में क्रैक में देखिए ये नीचे जो दिख रहा है। मेरा नेक्स्ट पॉइंट है